मम्मी है, माता जी, अम्मा, या खाना बना के खिलाना हर चीज। देखिए इस समय मंदिर को साफ कर रही है और मुंह में पान रख खाई हुई है। रोटी है और यह अमलेट है, यह चटनी है और यह देखिए कबाब फ्राई की है और इसमें दाल है, शेरवा है, सुरमा शेरवा 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 और यह दाल। तो देखिए तो मैं भारत यात्री पैदल रोबिंसन हूँ, जिस समय श्रीनिवासपुर में हूँ लेकिन 2 किलोमीटर पहले पंचमुखी मंदिर में जो जहाँ पे रुका हुआ था वहाँ से अब निकल रहा हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जो पूजा का नारियल चढ़ता है उसको काट काट के छोटा छोटा सा बनाया गया है, अम्मा ने बनाया है और अम्मा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, सपोर्ट किया खाना वाना हर चीज़। लेकिन यहाँ पर खाना भी थोड़ा सा अलग होता है और जैसे चावल था और उसके बाद क्या बोलते हैं इमली का जो इमली का रस्सा है वो बोलते हैं, प्याज डाल के लहसुन डाल के उसको बनाया जाता, उसी से खाया जाता। और यहाँ अंदर जाके मैं स्नान किया था और यहाँ पे भी व्यवस्था है और देख सकते हैं इस साइड भी बहुत अच्छा से जगह है, इतना अच्छा से सजाया गया है पूरे मंदिर को, आगे भी दिखा दे रहा, बहुत खूबसूरत सजाई है अम्मा ने। और यहाँ के जो चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा हर आदमी यहाँ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यार से बात करता है। तो अभी दिखा दे रहा हूँ पूरा जगह पे आ गए हूँ और देखिए साइड साइड पाम का पेड़ है और देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा है, पेंटिंग भी अच्छा से किया गया, बहुत खूबसूरत पौधा भी लगाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इंटरव्यू दिया था और यहाँ का विजुअल भी लिया गया था, बहुत ही अच्छा है। और देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है यह मंदिर, और मंदिर भी बहुत बड़ा है। और पहली बार ऐसा मंदिर है जो 5 मुख वाला अंजना, जो हनुमान जी का 5 मुख वाला है। और यह हमारी मम्मी है, माता जी, अम्मा, यह खाना बना के खिलाना हर चीज। देखिए इस समय मंदिर को साफ कर रही है और मुंह में पान रख खाई हुई है। अरे ये भैया है अन्ना, ये मंदिर को धुलाई कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के पूरा पहले झाड़ू लगाए हैं उसके बाद अब धुलाई कर रहे हैं, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अम्मा भी 90 साल की हो गई हैं लेकिन अभी तक सेवा कर रही हैं हनुमान जी की। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। और यह देखिए पता नहीं कितना अच्छा है, कोई पौधा है साइड में लगा हुआ है, इधर से भी गेट है और उस साइड से भी है, उधर से भी है और इधर से भी है गेट। तो इधर से मैं निकलूंगा और चल रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए और मिलता हूँ आगे कुछ देर के बाद। इस समय तक लगभग 13-14 किलोमीटर चला हूँ और बीच में कई जगह रुक गया, कई जगह रुका के सम्मानित भी किए थे, अभी 2-3 किलोमीटर पीछे रुका के साल और पैसा भी दिए सम्मानित किए। अभी एक अस्पताल पे रुका हूँ, दिखा दूंगा। और ये भैया के पास आया हूँ खाना खाने, नाम क्या आपका? नदीम बेग। और ये रोटी बना रहे हैं जो मैदे का है और रेडीमेड आता है ना? रेडीमेड नहीं, बना हुआ बनाते हैं, बनाते तब अच्छा है। और देखिए इनका दुकान है चारों तरफ से, ये कबाब है, हाँ कबाब है कबाब। और ये अभी तले थे तो, और इसमें भी रोटी है और ये वेटिंग मशीन है, इधर दुकान है चारों तरफ देख सकते हैं। हम मेरे लिए खाना बना रहे हैं, एक तो बात है कह रहे हैं कि आज हमारे तरफ से ऐसे ही खा लो, हम कह चलिए थैंक्स के लिए। भैया का दुकान है पूरा, यह है कि अभी जैसे एंट्री किया हूँ इनके जैसे वहाँ पे आप ही के मुस्लिम थे, हाँ तो मुस्लिम थे और रुका के 50 रुपया 100 रुपया इकट्ठा करके ये गाड़ी जो बनाते हैं, गाड़ी नहीं गाड़ी हाँ बाइक बनाते हैं हाँ। तो भैया लोग दिए 200 रुपया, तो ये एक है वो मेरा भैया, हाँ ये देखिए इन्हीं के भैया है वो भी। और जो नीली टी शर्ट है ऐसे आप ही के तरह चेहरा भी था वो भैया दिए। और देखिए यहाँ पे भी आए तो ये भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही सपोर्ट हो रहा है तो हमारा यात्रा चल रहा है।
और मेन रोड पे है। देखिए आगे यह रहता है, हर जगह तरकुल का यह पत्ता रहता है, आगे की धूप कम लगता है, यहाँ पे ज्यादा यही सब होता है, नारियल का तरकुल का पत्ता मिलता है। गांव कौन सा है? मुदवाड़ी। मुदवाड़ी यह है श्रीनिवासपुर, सिर्फ आम के लिए फेमस है पूरा विश्व में, यहाँ से हर जगह सप्लाई होता है। और यह भी यह दुकान है तेलुगु में, तेलुगु कह रहा हूँ कनाडा में लिखा है, कनाडा में है ना, उर्दू में नहीं लिखवाया, उर्दू में ऊपर रखा नहीं है, इधर कनाडा कनाडा या भैया का सब जहाँ पे बैठते हैं वहाँ। अब खाना खा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग से बात कर रहा हूँ कैसे खाना बनाया भैया। देखिए खाना रेडी हो गया भैया, अपना नाम क्या बताते हैं? नदीम बेग। नदीम बेग, और देखिए खाने में क्या क्या बनाया है, ये रोटी है और यह ऑमलेट है, यह चटनी है और यह देखिए कबाब फ्राई किए हैं, और इसमें दाल है, शेरवा है, शेरवा 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 और यह दाल। तो देखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया को हमारे लिए इतना सब बना दिए। और यह बताइए कोई दिक्कत होता है कि नहीं आपको? कोई यह है कि यहाँ पे इतने प्यार से लोग रहते हैं ना, बहुत इतना प्यार मिल रहा है, अभी कहीं दूसरे राज्य में नहीं मिला था जितना कर्नाटक में मिल रहा था। हम सोच रहा था दिक्कत होगा भाषा का, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा, हर जगह मिल जा रहा है हिंदी, लेकिन इतना प्यार से बात कर, जो मिल रहा है इतना प्यार दे रहा है ना, छोटा सा बच्चा हो या बड़े, बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे, तो बहुत खुशी हो रहा है कि इतना हमको प्यार मिल रहा है। और खा के बात कर रहा हूँ आप लोग से, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और खा ले रहा हूँ, देखिए इतना आइटम है तो खा ले रहा हूँ। उसके बाद बैग रखा हूँ हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल है वहाँ पे रखा हूँ, और जाऊँगा तब देखूँगा वहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉलिथीन है, बिछा के सो जाऊँगा। टाइल्स लगा, अस्पताल भी इधर का बहुत अच्छा बना है, दिखा दूँगा वो भी।